हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। आज हम सब लोग माता के माथा टेकने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पपलाज माता के जा रहे हैं। पपलाज माता का मंदिर दौसा से लालसोट रोड पर 35 किलोमीटर दूर है। लाल दौसा से नांगल जो प्यारीवास जो गांव है वहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो कट है उधर से आपको थोड़ा आगे की तरफ 6-7 किलोमीटर आगे जाना है। तो देखिए कितना भीड़ है। तो माता जी के मंदिर पर हम जा रहे हैं, बहुत फेमस मंदिर है ये। सामने माता जी का मंदिर है, सामने लिखा हुआ पपलाज माता मंदिर। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और यदि यहाँ आपको ज़्यादा प्रसाद की वैरायटी नहीं मिलेगी, 2-3 चीज़ मिलेंगे आपको प्रसाद में, तो आप बाहर से भी ला सकते हैं प्रसाद, अच्छा आपको जो भी लगे। अंदर हम एंट्री करते हुए, तो ये हमने अंदर एंट्री करी है। ये बाहर तो थोड़ा सा जो बरामदा टाइप में रहते हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था है, तो काफ़ी मतलब भीड़ रहती है, लेकिन आज थोड़ा भीड़ कम था तो हम गए जिस टाइम पर। यहाँ सामने हमने अगरबत्ती लगाई है माता जी के और यहाँ हमने ढोक भी दिए। तो फ्रेंड काफ़ी फेमस मंदिर है, कुल देवी का मंदिर होता है, बहुत से लोगों के कुल देवी का मंदिर है ये, बहुत से लोगों के लिए। अंदर ये अंदर माता जी का जो नज़ारा बाहर से पहाड़ी की तरफ से नज़ारा है, तो देखिए कितना अच्छा व्यू। बरसात दिनों में बड़ा प्यारा सीन लगता है यहाँ पर और काफ़ी सुंदर नज़ारा, फ़ोटो आप अच्छे से ले सकते हैं यहाँ पर थोड़ा, लेकिन जब भी जाएँ संभल के जाएँ, सीढ़ियों में ध्यान रखें बरसात में। और ये कुई देखिए यहाँ पर, बहुत अच्छा पानी है इसका, काफ़ी मीठा पानी है, पीते ही रह जाओगे आप। पहली बार पियोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले तो बहुत काफ़ी लेवल वाटर लेवल बहुत ऊँचा था, इसमें अब वाटर लेवल थोड़ा कम हो गया। अब देखिए अंदर भक्तजन जो भी ढोल मंजीरे बजा रहे हैं, यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर आपको भी आया हो तो यहाँ बैठ के ज़रूर जाना। माता जी के सब इधर देखिए, बड़ा मज़ा आता है ये सुन के सब कुछ। मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो जय पपलाज माता। तो आप सब लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।